नमस्कार, मैं धीरेंद्र यादव और सर आपका स्वागत है पत्रिका में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सक्सेस स्टोरी। आपने कई सफल लोगों की कहानियां सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिस आगरा विश्वविद्यालय का नाम लेते ही हमारे मन में कुछ अलग छवियां बनती थी 3 वर्ष पूर्व, आज 3 वर्ष बाद वहां की क्या स्थिति है। बहुत ज्यादा स्थितियां सुधरी हैं। प्रवेश, परीक्षा और परिणाम जो 3 बिंदु होते हैं, उन पर आगरा विश्वविद्यालय आज खरा उतर है। और ये सारी जो देन है आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद चौधरी की, आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाओं सुचारू रूप से नियमित करने का कार्य किया। एक तो विद्यार्थियों को अपनी योग्यता क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की भावना है। एक रूटीन डिग्री लेते समय अपनी अभिरुचि के अनुसार उनको कुछ चीजों को तय करना है। जो उनको डिग्री मिल रही है तो वो सरकारी नौकरियों के निमित्त उनको योग्य बनाते हैं, लेकिन साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट, कंप्यूटर रिलेटेड एनिमेशन, योगा, फिजिकल फिटनेस, पंचकर्म आदि अनेक, होटल मैनेजमेंट, कुकरी, कम्युनिकेशन, अनेक विधाएं हैं। विश्वविद्यालय इसी डायरेक्शन में भी काम करके एजुकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट का भी एक विषय कर रहा है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ आसपास का टूरिज्म कैसे है। आगरा ताज सिटी है, देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं, तो अपने को उसके अनुसार ढालना। सर, जानना चाहूंगा 3 वर्ष पहले जब आप आगरा विश्वविद्यालय में आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को संभाला, उस समय क्या स्थितियाँ थी? 13 दिसंबर 2016 को विश्वविद्यालय का मैंने चार्ज दिया था। उस समय जनवरी 19 तक हमने विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम घोषित किए। आज बताने में अच्छा लग रहा है कि विश्वविद्यालय के सारे परिणाम घोषित हो चुके हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा के बाद जो लंबा समय रखता था परिणाम का, वो पूरा होने के बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। ये विश्वविद्यालय के लिए एक उपलब्धि। सर, प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर हमेशा आगरा विश्वविद्यालय में हंगामे होते रहे, तो इन हंगामों को किस तरह आपने सामना किया? विश्वविद्यालय ने एक अभिनव प्रयोग किया। विश्वविद्यालय में जिनको भी प्रवेश लेना है, हमने उन सभी छात्रों का वेब रजिस्ट्रेशन कराया जो आधार कार्ड से लिंक था। एक बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी, एलएलबी, बीए एलएलबी, एमएड, बीपीएड, इन सभी पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षाएं कराई। हमारी प्रवेश समिति ने निर्णय लिया और पिछले 3 वर्ष से सेंट्रल सिस्टम के तहत हम स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करके हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और छात्र कॉलेज को आवंटित करते हैं। 2 वर्ष तो हमने छात्रों को काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय में बुलाया। इस बार प्रयोग किया कि हम काउंसलिंग ऑनलाइन करें। सभी महाविद्यालयों में कितने स्थान रिक्त हैं, इनकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को मिली। छात्रों ने घर बैठ करके अपनी काउंसलिंग की, तो कोई हमको इधर उधर खींच रहा है, किसी कॉलेज में शिकायत कर रहा है, ये न मौका दे करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम विश्वविद्यालय ने किया है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय ने लगभग 9 वर्षों के बाद पीएचडी की प्रवेश परीक्षा कराई। हमने प्रवेश परीक्षा करा करके उनके मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए। जिस सब्जेक्ट में जितनी सीटें थी उससे 3 गुना अधिक छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से सीधे कहा कि हमको 3 गुने छात्र ऊपर से मेरिट से दे दीजिए। साक्षात्कार के समय साक्षात्कार लेने वाले लोगों को भी किस छात्र के कितने अंक लिखित परीक्षा में है
ये नहीं है। लिखित परीक्षा के अंक, साक्षात्कार और वेटेज, ये मार्क्स जोड़ करके पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रवेश परीक्षाओं में होता है। 200 अंकों की लिखित परीक्षा थी, साक्षात्कार केवल 25 अंकों का था। तो ये पारदर्शिता से यदि काम करते हैं तो विश्वविद्यालय प्रगति करता। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में हमने 180 करोड़ की एमपी कर दी। कारण उसको था कि वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में था कि उनको 10 नए विश्वविद्यालय बनाने का था। मुझको लगा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा तो अलीगढ़ मंडल के महाविद्यालय कट जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से 1 रुपए का भी आर्थिक सहायता, वेतन, पेंशन, डेवलपमेंट के मद में नहीं है, तो हमको अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। उस निमित्त 180 करोड़ की एफडी की, शिक्षक कर्मचारियों के पेंशन के खाते में 16 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। अब विश्वविद्यालय ने लगभग 100 करोड़ की लागत से भवन निर्मित किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति आगे और सुदृढ़ होने वाली। समाज के सहयोग से भी करीब 25 करोड़ रुपए तक के काम ये हो गए हैं। कहने में अच्छा लगता है कि वर्तमान में आगरा महानगर में विश्वविद्यालय की छवि सुधरी हुई है, तो समाज के लोग सहयोग करने को तैयार हैं। तो आगरा विश्वविद्यालय, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, वहाँ के कुलपति डॉक्टर अरविंद दीक्षित जी ने बताया कि किस तरह 3 वर्ष में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को संभाला। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, लॉग इन कर सकते हैं www.patrika.com। नमस्कार।